लास्ट सेशन में हमने आपको ऑपरेटिंग साइकिल बताया था ना, यस और नो? ऑपरेटिंग साइकिल बताया था ना, घर पे किया था इसको, ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था ना, इसका मतलब घर पे नहीं हुआ है। अच्छा हुआ है ये वाला। पहले आज हम कुछ नई बातें कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कुछ चीजें आपको पहले भी समझा रखी हैं कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली एजम्पशन बेस्ड है। हर एक स्टेप पर आपको एजम्पशन लेने पड़ते हैं। क्वेश्चन पेपर आपके सामने बन करके आएगा, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग चार बच्चों ने अलग अलग एजम्पशन लिए हैं। नाउ यू विल फाइंड द फोर डिफरेंट आंसर्स। और जानते हो चारों आंसर क्या है? सही है, ठीक है। तो हमको अपने कुछ एजम्पशंस सेट करके चलने ही पड़ेंगे, बिना उसके हम ना तो इधर के रह पाएंगे ना तो उधर के रह पाएंगे। तो जैसे जैसे आएगा। अच्छा, दूसरी बात, मैंने ये भी कहा था कि देर इज नो एनी फिक्स्ड फॉर्मेट फॉर दैट। पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कोई फिक्स फॉर्मेट मिलेगा ही नहीं, नहीं मिलने वाला। हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से किया हुआ है, नए नए फॉर्मेट्स के साथ। तो क्या हम उसको यूज करें या कोई एक फंडा लेकर के चलें? एक फॉर्मेट लेकर चलें, बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। जब हम अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो हम लोग को अच्छी तरह मालूम है कि वर्किंग कैपिटल में दो चीजें आती हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। अगर कहता है ग्रॉस बेसिस पर करो तो हमको तो ग्रॉस बेसिस पर ही करना पड़ेगा। याद आया ग्रॉस बेसिस क्या होता है? करंट एसेट, ओनली करंट एसेट। तो हम लोग जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे कुछ इस तरह से रहेगा। देखें इधर, इधर लिखेंगे हम लोग करंट एसेट, और इस इधर लिखेंगे हम लोग करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट में क्या क्या आता है? सबसे पहले स्टॉक, बोलो कौन सा स्टॉक? रॉ मटेरियल का स्टॉक। में और क्या आता है सर? WIP का, वर्क इन प्रोसेस। स्टॉक में क्या आता है? फिनिश्ड गुड्स। ये तो लिख सकते हैं ना, यानी हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहां पर लिखनी है स्टॉक का, रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, स्टॉक के बाद क्या लिखते हैं? अगर हम करंट एसेट की बात करें, और कौन से एलिमेंट्स होते हैं करंट एसेट के? डेटर्स या रिसीवेबल्स होते हैं ना, वो हम यहां लिखेंगे। अच्छा, और कौन सा एलिमेंट होता है जो आपको मालूम हो? इन्वेस्टमेंट। मार खाए हो, क्या होता है? कैश एंड बैंक। और क्या होता है करंट एसेट का एलिमेंट? प्रीपेड। क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आ गए आपके, टोटल हो गया एक। अच्छा, अब आएंगे करंट लायबिलिटीज की बात करेंगे। क्या लिखेंगे करंट लायबिलिटीज में? क्या क्या आता है? क्रेडिटर्स आता है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, देखेंगे लोन्स का और क्या ट्रीटमेंट होगा, बाद में बात करेंगे। ये हो जाएगा आपका बी, यहां लिख दिया, और ये हो जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ए माइनस बी। क्लियर हुआ? नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई क्या? इजी है ना, ये वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट है,
जिसको हम यूज करेंगे। और वर्किंग कैपिटल का मतलब हमको अच्छी तरह मालूम है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब आते हैं कुछ और नई बात करते हैं इसमें। आपको ये ऑलरेडी बताया जा चुका होगा कॉस्ट शीट में, बताया गया है। नहीं पढ़ा है आपने तो हम यहां इसका भी फॉर्मेट बना दे रहे हैं। सर इसका क्या यूज होगा वर्किंग कैपिटल में? हम लोग के सारे क्वेश्चंस में यही यूज होगा। क्या बोला मैंने, क्यों यूज होगा उसको देखेंगे। या तो हम लोग वर्किंग नोट्स बनाते चले जाएं, इतने ज्यादा वर्किंग नोट्स बनाए कि हमारा दिमाग ब्लास्ट कर जाए, या तो सिंपल सा एक कॉस्ट शीट बनाकर हम अपना आंसर तुरंत रखते चले जाएं। बुक्स ने क्या किया, केवल वर्किंग नोट वर्किंग नोट। अरे भाई काहे के लिए वर्किंग नोट, सीधे कॉस्ट शीट बना देते हम, उसी में से ही डेटा को पिक कर लेते। मेरी बात समझ में आई? मेरा 90% बोझ, मैंने क्या बोला, मेरे क्वेश्चन का 90% बोझ ये अकेले कॉस्ट शीट उठाएगा। पक्की बात? क्या होता है कॉस्ट शीट में बता सकते हो, क्या क्या आता है? रॉ मटेरियल यूज्ड प्लस डायरेक्ट लेबर, इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है प्राइम कॉस्ट। याद होगा आप लोगों को, प्लस कर देते हैं हम लोग मैन्युफैक्चरिंग या फैक्ट्री ओवरहेड, प्लस कर देते हैं हम लोग ओपनिंग WIP, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग WIP, ये आ जाता है आपका वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। मैं अब ये कॉस्ट शीट तो पढ़ाने नहीं जा रहा आप लोगों को, लेकिन हाँ इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और कैलकुलेशन जब करेंगे तो अगर किसी ने कॉस्ट शीट नहीं भी पढ़ रखी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? इसके बेसिस पर क्वेश्चन चलेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखी है तो वो मेरा टेंशन है, ठीक। अब हम चल रहा है कॉस्ट पर नहीं ना जाएंगे, लेकिन हाँ इतना हम जरूर बता देंगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये समझ लीजिए जिसने कॉस्ट शीट पढ़ रखी है उसका रिवीजन हो जाएगा कॉस्ट शीट का। वर्क्स कॉस्ट हो गया, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें हम लोग ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जो आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, इसमें हम प्लस कर देते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसमें हम ऐड कर देते हैं प्रॉफिट, तो ये आ जाता है सेल्स। बोलो ना, एक चीज रह गई पूरे में, रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग कहां लिखते हैं? अरे WIP तो मिल गया, फिनिश गुड्स भी मिल गया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जी, जो हमारा ये है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना?
डायरेक्ट एक्सपेंसेस यही तो है, डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड्स में नोट कर लें। हमारा पूरा कॉस्ट शीट इन्हीं दो फॉर्मेट्स पर ही चलेगा। चलें आगे। चलें, कहता क्या है? देखो बड़ी विपदा रहती है शुरू शुरू में चीजों को समझाने में। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आ गया। और थोड़ी देर जरा ढंग से सुनेंगे, मैंने कहा आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग हो ये याद रखना कि अगर आज का सेशन समझ में आ गया, समझ लो आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म इस चैप्टर की। ठीक, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल। हम लोगों को तो असल में उधर याद आ जाता है, समझ में नहीं आता। हम लोगों को ये फैक्टर्स रखने हैं यहां पर। अगर ये फैक्टर्स रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा यस और नो। और इसके सपोर्ट के लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मींस इट्स अ सपोर्टिव स्टेटमेंट। द रिजल्ट विल बी गिवन बाय यू विद द हेल्प ऑफ ओनली ओनली बाय द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट, दैट्स इट। यही आपको रिजल्ट देगा, ना कि ये रिजल्ट देगा। हाँ, ये आपको सपोर्ट करेगा, आपके कई वर्किंग नोट्स आपके खत्म कर देगा। जो टफ होते हैं वर्किंग नोट्स, ये अपने ऊपर बोझ ले लेगा। अब इसके कैलकुलेशंस कैसे करते हैं जरा वो देखा जाए। बोलो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने कहा, ढंग से सुनना, मैंने कहा साल भर में हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं 12 लाख का। मैंने कहा मैं रॉ मटेरियल परचेज करता हूं साल भर में 12 लाख का, और कोशिश करता हूं कि मेरा स्टॉक 2 महीने के बराबर हमेशा पड़ा रहे। मेरी बात समझना, मैंने क्या बोला, क्या बोला अभी 2 मिनट मैंने पहले बोला, अगर ये सेशन समझ में आ गया तो 90% बोझ हल्का हो जाएगा। और 2 मिनट बाद बच्चा कह रहा है हमने तो क्वेश्चन सुना ही नहीं, अब हम कहां जाएं। मैंने कहा रॉ मटेरियल मैंने परचेस किया, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं जो आपको क्लियर करेंगे। साल भर में हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं 12 लाख का, और मैं ये कहता हूं मेरी कंपनी की ये पॉलिसी है टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 मंथ्स। नाउ टेल मी व्हाट वुड बी द क्लोजिंग स्टॉक और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच विल लाई इन माई गोडाउन। कितने रुपए का क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास पड़ा होगा, इससे बता लोगे क्या? केवल इतनी इंफॉर्मेशन से बता लोगे? हाँ, अगर 12 लाख 12 महीनों में है तो इसका मतलब 1 लाख 1 महीने में स्टॉक हम खरीदते हैं, और हमको अपना स्टॉक कितने महीने के बराबर रखना है, तो 2 लाख रुपए हमारा स्टॉक हो गया ना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, हमको तो ये चीज समझ में आया, इतनी हल्की चीज नहीं समझ में आई। अगर मैं कहता हूं मैं 12 लाख का परचेस करता हूं रॉ मटेरियल और 2 महीने का अपने पास स्टॉक रखता हूं, इसका मतलब 2 लाख का स्टॉक पड़ा होगा, 2 लाख मेरा रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है, प्रॉब्लम कितने? अरे बोल लो, थोड़ा क्वेश्चन बदल दें। मैंने कहा क्या? बजाते रहो। चलो अब आते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 2 लाख का, परचेजेस हैं रॉ मटेरियल का 8 लाख का, एंड क्लोजिंग स्टॉक है रॉ मटेरियल का न, 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 न।
और हम लोग रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड है हमारे पास 1 मंथ का। हमें बताओ, नहीं कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वापस आते हैं। रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट है 1000 kg पर मंथ, रॉ मटेरियल पर केजी रेट है हमारे पास 5 रुपये। अच्छा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड दे रखी है 1 मंथ। चलो इसको 3 मंथ कर लेते हैं। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, बता सकते हो? अरे बता सकते हो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगी? कितने टफ टफ कैलकुलेशन है रे इंसानों, थोड़ा क्वेश्चन ढंग से सुनो और देखो। अरे हाँ, तो सोचना क्या है इसमें, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना था भाई? 1 महीने में 1000 किलो यूज होता है रॉ मटेरियल, 3 महीने के बराबर मुझे रखना है, यानी कि 3000 किलोग्राम स्टॉक रखना है, तो 5 रुपए के हिसाब से 15,000 हो गया, सीधा हिसाब है। तो अब इसमें कौन सा, हमने कौन सा भारी क्वेश्चन दे दिया है, तो क्लास 5th का बच्चा भी बता दे जाएगा। तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हो जाएगा 1000 kg पर मंथ, हमें 3 मंथ्स का अपने पास रखना है, 5 रुपए पर यूनिट पर केजी। दैट्स इट। समझ में आ रही है बात? ऐसे कैलकुलेट करने क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, हटा दें ये सब, इसकी जरूरत नहीं है, ये तो केवल हम एक एग्जांपल दे रहे थे कि समझो। एक छोटा सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, केवल तुम लोग को समझाने के लिए कि है क्या। ठीक, तैयार? बोलो, बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एबीसी एंड XYZ प्लान्स टू सेल 30,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, अगले साल 30,000 यूनिट्स। हम एक हर एक एलिमेंट को आराम से बताएंगे, टेंशन ना लेना। 30,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? इतने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि मेरा इतना काम होना है। कब होना है? फ्यूचर में होना है, और फ्यूचर में होने के लिए, काम होने के लिए हमको आज की डेट में कितने वर्किंग कैपिटल को जुटा करके रखना है, जोड़ करके रखना है अपने आप को, ताकि हमारा काम इंटरप्ट ना हो सके। अगर हमारे पास वर्किंग कैपिटल प्रॉपर नहीं पड़ी रहेगी तो हम रॉ मटेरियल खरीद नहीं पाएंगे, हाँ या ना? उधार माल बेचेंगे तो हैपहजर्ड मैनर में बेच देंगे। बताया था तुम लोग को ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल, की अगर हम उधार माल बेच रहे हैं तो उसको कलेक्शन का भी तो सिस्टम बनाओ। कलेक्शन के लिए पॉलिसी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, लिबरल होनी चाहिए, मॉडरेट होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट भी नहीं हो सकते, लिबरल भी नहीं हो सकते, मॉडरेट होनी चाहिए। स्ट्रिक्ट होंगे तो सामने वाला कहाँ से अगली बार से आपसे सामान नहीं खरीदेगा, और लिबरल बनाएंगे तो पैसा देगा नहीं। बात समझ में आई? दूसरी चीज, कैश मैनेजमेंट। कैश अपने जेब में ज्यादा रख करके चले या कम रख करके चले? मॉडरेट, ऑप्टिमम, इतना रखो जिससे कि हमारी ट्रांजेक्शनल नीड्स पूरी हो जाएं, इतना रखो जिससे स्पेक्यूलेटिव नीड्स पूरी हो जाए और कंटिजेंसी नीड्स पूरी हो जाए। बात समझ में आ रही है? हर चीज बताई थी, ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होता है, हमें उसी लेवल पर पहुंचना है। कितनी वर्किंग कैपिटल अपने पास रखें, हम किसी का पैसा फंसाते हैं तो कोई मेरा पैसा भी फंसाता है। हमने लोगों का पैसा फंसाया वर्किंग कैपिटल में 5 लाख, दिस इज नोन एज ग्रॉस करेंट एसेट, और किसी ने मेरा पैसा फंसा दिया 1 लाख रुपए, तो मुझे टोटल जरूरत पड़ेगी 4 लाख रुपयों की। मैंने किसी का फंसाया 5 लाख, और कोई मेरा फंसा रहा है 5 लाख, और मैं किसी का फंसा रहा हूँ 1 लाख, तो मुझे 4 लाख की जरूरत पड़ेगी। मैं किसी का फंसा रहा हूँ 1 लाख, कोई मेरा पैसा फंसा रहा है 5 लाख, तो मुझे जरूरत पड़ेगी 4 लाख रुपयों की। और यही 4 लाख सर्किल बनती रहती है, बनती रहती है। जितनी तेजी से साइकिल घुमाओगे उतनी ज्यादा सेल होगी, उतना ज्यादा बिजनेस अच्छे से चलेगा। बताया था ना, ऑपरेटिंग साइकिल बताया था ना।
एबीसी एंड एक्सवाइजेड प्लांस टू सेल 30,000 यूनिट्स नेक्स्ट ईयर, और अगले साल ये कॉस्ट रहेगी रॉ मटेरियल एक यूनिट का, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक यूनिट की, सेलिंग एक्सपेंसेस एक यूनिट का, सेलिंग प्राइस एक यूनिट की। कहता है ड्यूरेशन ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज एक्सपेक्टेड। रॉ मटेरियल कितने महीने का रखते हैं हम लोग? 2 महीने के बराबर का रॉ मटेरियल रखते हैं। WIP कितने महीने के बराबर की रहती है? 1 महीने के बराबर की WIP रहती है। फिनिश गुड्स कितने महीने के बराबर का रहता है? आधे महीने के बराबर रहता है। और डेटर्स कितने महीने के बराबर का रहते हैं? 1 महीने के बराबर रहते हैं। एज्यूम करना है मंथली सेल्स लेवल 2,500 है। अरे काय के लिए बोला रे, ऊपर जब तुम बोल चुके हो 30,000 यूनिट तो हम डिवाइड करके नहीं निकाल सकते थे 2,500? इतना क्या समझा है? बेवकूफ समझा है क्या? नहीं समझे? अरे बोल, ये फालतू की लाइन क्यों दे दी? एस्टिमेट द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इफ द डिजायर्ड कैश बैलेंस, इतना कैश बैलेंस आपको रखना है। चलें, देखो हमको केवल दिया है रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक और कैश। यहाँ क्रेडिटर्स कहीं नहीं दिया है। क्या नहीं दिया है? तो इसका मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पूछ रहा है। अरे बोलते क्यों नहीं? चले, हमने कहा तुम लोग का सारा बोझ कौन रख लेगा, तो इसको बनाए, उससे अच्छा ऊपर बनाया ही है, कॉपी कर लेते हैं। ऊपर वाले में हमको थोड़ा करना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, रॉ मटेरियल यूज्ड क्या क्या लिखते हैं इसमें? ओपनिंग स्टॉक डिटेल में लिख दे रहे हैं, प्लस परचेस ये आ जाएगा, और ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये आ गया प्राइम कॉस्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है, इसके बाद हम लोग वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। ठीक, पहले कहता है, पहले हम लोग कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कॉस्ट शीट कहता है रॉ मटेरियल हम पूरे साल भर का बनाएं कॉस्ट शीट या पर मंथ का बनाएं? सर आप पर एनम का बनाइए। कितने का? और पर एनम का बनाएंगे तो हमें कितने यूनिट्स का बनाना पड़ेगा? 30,000 यूनिट्स का। कितने यूनिट्स का? एक यूनिट पर कितना रुपया लगता है तो बताओ, 30,000 यूनिट पर कितना लगेगा? कितना लगेगा? 30 लाख। तीस लाख कैसे आया बताओ? 30,000 इंटू 100 रॉ मटेरियल हो गया। अच्छा, उसके बाद बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 30,000 यूनिट पर 30 रुपए के हिसाब से 9 लाख, और ये कौन सा खर्चा है हमारा? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कौन सा है? तो नाम बदल देंगे ना। टोटल कितना हो गया हमारा? बिल्कुल इत्मीनान से, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि 5 मिनट में सारा दिमाग खुलेगा। मैंने कहा हर एक क्वेश्चन कुछ नया दे करके जाएगा, तो हर एक क्वेश्चन को अलग से समझने की जरूरत है, थोड़ा थोड़ा चेंज होता जाएगा। 39 लाख। अच्छा, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना है एक यूनिट का? 20। तो सेलिंग है हमारा ये, तो 30,000 इंटू 20 6 लाख। सेल्स कितना है 30,000 का 12 रुपए के हिसाब से, 200 रुपए के हिसाब से? बोलो ना कितना हुआ? 60 लाख। बोलो, बस और कुछ दिया है क्या? नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं दिया है। अब खत्म। अब जरा टोटल कर लेते हैं। ये फैक्ट्री ओवरहेड है। हाँ, ये कुछ नहीं दिया है। कितना हो गया ये?
ये कितना, कुछ नहीं दिया है, ये कितना हो गया, ये कुछ नहीं दिया है, कितना हो जाएगा ये, प्रॉफिट कितना है, ये है आपका कॉस्टशीट। ठीक, हमने ये स्टेप फालतू के किए, तुम लोग प्राइम कॉस्ट से सीधे आ सकते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे। ठीक है ना, ठीक है। अब हमें प्रिपेयर करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसी के लिए तो बैठे हैं। कॉपी कर लें इसको, मैंने कहा था 90% आपका बोझ कौन ले लेगा, अब जरा देखते हैं कैसे। हम लोग को क्वेश्चन देखकर एक चीज तो पता चल गई कि हम लोग को करंट लायबिलिटी का कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कुछ दिया ही नहीं है कैलकुलेट करने के लिए। ठीक, क्वेश्चन में कहता है रॉ मटेरियल 2 महीने के बराबर रहेगा, कितने महीने के बराबर रहेगा, यहां हम करेंगे कैलकुलेशंस। क्या करेंगे, रॉ मटेरियल 2 महीने का मतलब ये हो गया 12 महीने में तो रॉ मटेरियल इतना चाहिए 30 लाख, कितने महीने में चाहिए, तो 2 महीने में कितना चाहिए होता है 5 लाख। क्या दिक्कत है, लिख दिया 5 लाख, कोई प्रॉब्लम है, यही तो चाहिए। वर्किंग कैपिटल में 5 लाख का स्टॉक रहेगा तो मेरी वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट का हिस्सा है स्टॉक, कर लो कैलकुलेशन, 5 लाख आएगा। WIP के बारे में कुछ दिया है क्या, 1 महीना, चलो फिनिश गुड्स कितना दिया है, आधा महीना फिनिश गुड्स दिया है, हाफ मंथ, ये भी बना देते हैं तुम लोग को यहाँ पे ताकि वो भी दिक्कत ना रहे। ये 2 महीने के बराबर है, ये आधे महीने के बराबर है, ये 1 महीने के बराबर है WIP, और क्या दिया है, डेटर्स भी 1 महीने के बराबर है, यही तो दिया है, और कैश रखना है 5%। देखेंगे बस ना, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, बस इतनी चीजें, 3 चीजें और रख लो आंसर आपके हाथ में। फिनिश गुड्स करा है आधा महीना, तो फिनिश गुड्स किस पर कैलकुलेट होता है, देख सकते हो कहीं पूरे वर्कशीट में दिख रहा है फिनिश गुड्स कहां कैलकुलेट हुआ है, कॉस्ट शीट में कहीं दिख रहा है फिनिश गुड्स कहां कैलकुलेट हुआ है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के समय, ये इस पर बेस्ड होता है हमारा, ये क्या है फिनिश गुड्स, किस पर बेस्ड है, इन सारी चीजों पर बेस्ड है। अरे बोलो, फिर बोलूं, ये जो ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP है उसमें ये सारे फैक्टर्स जुड़े हुए हैं, तब जाकर के ये निकला है ओपनिंग WIP और क्लोजिंग WIP। फिनिश्ड गुड्स में कितने फैक्टर जुड़े होंगे, ये सारे यहां तक के फैक्टर्स जुड़े हुए होंगे, तब जाकर के निकला है मेरा फिनिश्ड गुड्स, देखने से ही पता चल रहा है, ये जोड़ो ये जोड़ो ये जोड़ो, अब निकला फिनिश्ड गुड्स, ये ऐड करो ये ऐड करो, अब निकला WIP, दिख रहा होगा, ये सारी चीजों को ऐड करके फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं WIP। अरे हाँ, और ये सारी चीजों को ऐड करने के बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं फिनिश गुड्स। अब क्लियर है, इसका मतलब ये हुआ कि WIP में हमारा रॉ मटेरियल ऐड रहता है, दिख रहा होगा, उसमें डायरेक्ट ओवरहेड्स या डायरेक्ट लेबर वगैरह ऐड रहते हैं, और फैक्ट्री ओवरहेड, ये वाला फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड रहता है, ये 3 चीजें ऐड रहती हैं, तब जाकर के निकलता है मेरा WIP, यानी मैटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स, डायरेक्ट ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये 3 चीजें ऐड होती हैं। जबकि इसमें हम लोग ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड कर लें और तब जाकर वो बनता है हमारा फिनिश्ड गुड्स, यानी उसमें और जोड़ लो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, तब जाकर हम फिनिश्ड गुड्स को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब समझ में आई बात, कॉस्ट शीट हमको यही तो बताता है कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट कर की जाती है हर चीज की, और लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिक बता भी रहा है हमको।
अब हमसे कह रहे फिनिश्ड गुड्स है हमारे पास आधे महीने का, किस चीज का? आधे महीने का किस चीज का? फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स किस पर निकलता है और ये कितने महीने के बराबर है? आधे महीने का नहीं निकाल लोगे? कितना आसान है, नहीं कोई कैलकुलेशन अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, दिया हुआ है सब कैलकुलेट। 39 लाख का सीधे सीधे आधा महीना निकाल लो। इफ दिस इज ऑफ 12 मंथ्स, नाउ व्हाट वुड बी द हाफ मंथ? हाफ मंथ का मतलब 1/4, 24 लिख लो या 0.5/12 लिख लो, तुम्हारी मर्जी। यही आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? कैलकुलेशन तुम लोग के ऊपर है। जमाई नहीं लेंगे ना। चलिए तीसरा, WIP कितने महीने के बराबर? एक महीने, यहां पर लिख दिया था मैंने। और तुम लोग को मालूम है WIP में तीन चीजें शामिल होती हैं। WIP में एक तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग या डायरेक्ट ओवर है, ठीक, फैक्ट्री ओवर है, ये ऐड रहता है। और अगर याद हो तो मैंने बार बार, कई बार आप लोग को पास्ट में भी पढ़ाते समय एक चीज तो क्लियर की है, इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द वर्किंग वर्क इन प्रोसेस, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द वर्किंग स्टेज, फिनिश्ड स्टेज ऑफ द WIP, तो हम लोग को कुछ मानना पड़ता है। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे हो, बोलो क्या? कि डायरेक्ट मटेरियल जितना यूज होना चाहिए था उसका 100% डायरेक्ट मटेरियल लग चुका है, लेबर जितना लगना चाहिए था उसका आधा यूज हुआ है, और ओवरहेड जितना लगना चाहिए था उसका आधा यूज हुआ है। ये बेसिक एजम्पशन होता है, केवल यहीं पर नहीं हर जगह, कि अगर WIP के बारे में क्वेश्चन साइलेंट रहता है। WIP का मतलब क्या? जो पूरा न रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, बीच में कहीं अटका हुआ है, ना रॉ मटेरियल है ना फिनिश गुड्स है, ये जितना भी इसके इसके बाद जितने भी चीजें होंगी और इसके पहले जितने भी होंगे सब WIP में आएंगे। तो मेरा कुछ सामान रॉ मटेरियल में पड़ा होगा जिस पर कोई काम नहीं हुआ है, और जिस पर पूरा 100% मटेरियल, या कोई इधर 100% रॉ मटेरियल है इधर, और इधर 100% मटेरियल लग चुका है, इसमें क्या ऐड होता है? मटेरियल में क्या ऐड करते हो कि फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है? मटेरियल में क्या ऐड करते हो कि फिनिश गुड्स में बन जाता है? रॉ मटेरियल में क्या ऐड करते हो? लेबर ऐड करते हो और ओवरहेड ऐड करते हो, तब जाकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होता है। इसी को हम कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ या ना? अच्छा, ये हमें अगर कुछ ना दिया हो, अब यहां पर कोई सामान पड़ा है, यहां कोई सामान पड़ा है, यहां बना हुआ है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, कई स्टेज हो सकते हैं। एक फैक्ट्री में 100 तरह की WIP की स्टेजेस हो सकती हैं। अरे बोलो, करते रहें कैलकुलेशन, मर जाएं। करें हाँ। तो हम मान लेते हैं WIP में अगर हमें परसेंटेज नहीं क्लियर है फिनिशिंग स्टेज की, उस WIP में कितना मटेरियल, कितना लेबर और कितना ओवरहेड लगा है। इफ वी आर अनेबल टू फाइंड इट आउट एग्जैक्टली, देन वी हैव वन एजम्पशन दैट 100% ऑफ द मटेरियल, 50% ऑफ द लेबर एंड 50% ऑफ द ओवरहेड हैज बीन यूज्ड, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ सोच रहा ही नहीं है। WIP जिसपे ना तो पूरा 100% मटेरियल, 100% लेबर, 100% ओवरहेड, अगर तीनों 100% हो गया तो WIP कहां है भाई? अगर यहाँ 100% मटेरियल लग जाए, 99% लेबर लग जाए, 99% ओवरहेड लग जाए, तब भी ये WIP है। 100% मटेरियल, 100% लेबर और 99% ओवरहेड लग जाए, तब भी ये WIP है। कहां तक कैलकुलेट करते रहोगे? मर जाओगे। तब क्या करें? एजम्पशन ले लो। अगर कुछ ना दिया हो क्वेश्चन में तो दिस इज द बेस्ट एजम्पशन। कर लिया? देखो ना, WIP में तीन चीजें शामिल हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। इसमें केवल रॉ मटेरियल था, और इसमें भी देखो फिनिश गुड्स में भी तीन चीजें हैं, रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। लेकिन तीनों कितना कितना परसेंटेज कंप्लीट हो गया था, इसलिए हमने सीधे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को उठा लिया था। तीनों 100% सोचना ही नहीं था, नहीं
सर यहाँ नहीं सोचे थे, यहीं पर सोच रहे हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम मटेरियल और लेबर जितना लगना चाहिए था पूरे पर उसका आधा लगा होगा। अब समझ में आई बात, तो इसको हटा दें, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, अब समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, एक एक महीने का है तो हमें मटेरियल एक महीने का चाहिए, तो मटेरियल कितना था? 30 लाख। साल भर में कितना था? तो एक महीने में जितना चाहिए उसका 100% लग गया होगा। सुन लो, पहले सुन लो, लेबर की बात करते हैं। लेबर कितना था? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 9 लाख। सीधे सीधे इसी पर आ जाते हैं, 9 लाख का एक महीने का जितना लगना चाहिए था, एक महीने के बराबर जितना लगना चाहिए था उसका आधा। अब बताएं कितना आया? पहला 2.5 लाख, 37,000, ये 287, ये आपका WIP है। यह है वर्किंग, डेटर्स कितने महीने के बराबर, और डेटर्स किस पर निकलता है? सेल्स पर। किस पर निकलता है? मान लें क्या कि जितनी भी सेल है वो 100% क्रेडिट सेल है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया इतनी कैश सेल्स, इतनी क्रेडिट सेल्स, और डेटर्स किस पर निकलता है? क्रेडिट सेल्स पर निकलता है। उधार माल बेचोगे तभी तो डेटर्स आएगा, नगद माल बेचने पर कौन सा डेटर आएगा? इस क्वेश्चन में हम ये भी तो मान सकते हैं सारा का सारा सामान हमने किस पर बेचा है, तभी तो डेटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है ना, तब काहे के लिए मान लोगे तुम तो हम यही मानेंगे कि सारा का सारा सामान उधार बेचा गया है, कैश मत समझ लेना, मान मत लेना, गलत मानोगे। बात समझ में? कितने रुपए की सलीना सेल हुई है? 60 लाख। 12 महीने में 60 लाख, तो एक महीने का उधार पैसा फंसा होगा ना, तो 60 लाख का एक महीने का 5 लाख। हमें मालूम है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी। अब क्या बचा? कैश। ये कहता है जितना भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना, जितना भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी उसका 5% आया ना, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल यही तो आएगी, ये ए। अगर ये 100 रुपये होगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, तो कैश हमारा 5 होगा, इसका मतलब बाकी सब मिलाकर, तो जब मालूम है ये सब मिलाकर 95 है, तो 5 कितने का होगा नहीं पता कर लोगे? इन सबको जोड़ लो, कितना आया ऊपर का हिसाब किताब? प्रीपेड हटा दे, 14,50,000। तो ये है 95 के बराबर, तो 5 के बराबर कितना होगा? कितना है? कैलकुलेटर कौन दोनों हाथों से चलाता है? हाँ बोलो, आ रहा है? टोटल करो, 1450 प्लस 76,000 ऐड करो उसमें, 26,315। ये है आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड दिस इज योर आंसर। सर आप हमें आंसर दिखाइए, मैच कर रहा है कि नहीं, हम अभी बता रहे नहीं करेगा। मैंने पहले ही बोला था एजम्पशंस आर डिफरेंट, मेरा एजम्पशन कुछ और होगा, बुक का एजम्पशन कुछ और होगा, जो मैंने एजम्पशन लिए क्या कहीं से बुरे लगे, कुछ खटका क्या? नहीं ना, तो बात खटका। नोट करो, सर टीचर नंबर तो नहीं काटेगा, आ रहे हैं हड़बड़ी नहीं, ये सॉल्यूशन नंबर 1 है।
क्लास खत्म होने का वेट करते हैं, उसके बाद ये सब बात करेंगे, ठीक है? चले, यही टीचर नंबर काटेगा क्या? अरे हो तो गया ऊपर, क्या हो गया? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे ये साए बहार। बोलो। अरे बोल, कोई दिक्कत हो तो पूछ लो, आगे बढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है बाबू, ये याद रखना। शुरू के दो तीन क्वेश्चन तो तुम लोग का माइंड ब्लास्ट करेंगे ही करेंगे। सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर टू पर चल सकते हैं। अगर मैं प्रूफ करना चाहूं कि मैं गलत हूं, एक मिनट लगेगा, पूरा आंसर गलत साबित कर दूंगा, और इतनी गलतियां इस आंसर में निकालूंगा जिसका कोई हिसाब नहीं। घबराना मत, लेकिन यही एफएम की सच्चाई है। देखो मेरा आंसर कितना आया है, दिखा देता हूं, 15 26 315। इसका कितना आया है? ऐसा क्यों, इतना फर्क? अरे इतना फर्क, अरे जो भी हो, 70 80 90 हजार का फर्क है। फर्क तो फर्क है, 1 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल नीचे ऊपर हो रही है, कम नहीं है, बिजनेस वही कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख रुपए की वर्किंग कैपिटल नीचे ऊपर हो रही है, सोचने सोचने का फर्क है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कि इसको बता दें कहां दिक्कत है, कोई फायदा नहीं। बीमारी अभी मत पालो, जब तुम लोग एक एडजस्ट कर चुके होगे 2 4 5 क्वेश्चन के साथ, तो तुम खुद बताओगे अच्छा सर ये है, हटाइए गलत है, हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग खुद फाइनल करोगे कि इसमें ये डिफरेंस है और इसके कारण आंसर चेंज होता है। चले, देखो ना, इट इज अज्यूम्ड। अरे भैया तुम अलग एजम्पशन लिए हो, हम अलग एजम्पशन लिए हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर टू कहता है, फूड लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60%। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरह का क्वेश्चन। 60, और ये भी याद रखना, टोटल मिलाकर WCR में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में, 15 से 17 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। कितने? गिने चुने 15 17 18 बस, लेकिन हर एक क्वेश्चन दूसरे से अलग होता है, ठीक। दूसरी चीज, क्वेश्चन पे दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं फिर बोलता हूं, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, बात खत्म। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, सुनने में आसान लगता है, जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर, बात खत्म। दिमाग जहां लगाना शुरू किया, सब हौच-पौच होना शुरू हो जाएगा। फॉर्मेट अपना फिक्स है, हमको उसमें प्लेस करना है, दैट्स इट। फूड लिमिटेड इज प्रेजेंटली ऑपरेटिंग एट 60% लेवल। कितना है? 36,000 पैकेट्स ऑफ स्नैक्स फूड्स एंड प्रपोजेस टू इंक्रीज द कैपेसिटी बाय द कमिंग इन द कमिंग ईयर बाय 33%। आज की डेट में करंटली आई एम वर्किंग 36,000 यूनिट्स या पैकेट्स, नेक्स्ट ईयर में हम इसको 33% ऐड करने जा रहे हैं, यानी 48,000 हो जाएगा। अरे करो ना, देखो 36,000 प्लस 1/3 ऐड कर लो, 12,000 बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है, सोचना क्या है, ठीक है ना? आया, 36,000 में 1/3 ऐड कर लो। ओवर द एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन द फॉलोइंग डेटा हैज बीन सप्लाइड। अब डेटा समझ लो, क्या दिया हुआ है? पर यूनिट दिया हुआ है, ढंग से समझना, यूनिट कॉस्ट, करंट लेवल, और करंट लेवल कितना है, सुन लो, 36,000 यूनिट। करंट लेवल कितना है? अगर यहीं पर मैं इसको काट करके लिख देता एट फुल कैपेसिटी, आंसर चेंज हो जाता। मैं लिख देता एट 40,000 यूनिट्स, आंसर चेंज हो जाता। सर पर यूनिट तो उतना ही रहता है। अरे भाई ऐसा ना सोचो,
जैसा क्वेश्चन दिया पहले उसकी बात करते हैं। 36,000 रॉ मटेरियल पर यूनिट, वेजेस पर यूनिट वेरिएबल, ओवरहेड पर यूनिट वेरिएबल, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट फिक्स टोटल में हमेशा फिक्स रहता है, पर यूनिट कभी मत बोला करो। फिक्स्ड ओवरहेड को कभी भी पर यूनिट की बात नहीं करते, फिक्स्ड ओवरहेड की जब भी बात करते हैं टोटल की बात करते हैं। ये क्या दिया है तूने, फंसाने के लिए दिया था हमें, लेकिन हम फंसने वालों में से। ₹1 पर यूनिट फिक्स होता है कभी? अरे तुमने बोल दिया 36,000, मल्टीप्लाई कर दिया 36,000 से आ गया। अब सोचो अगर ये लिखा रहता एट 100% कैपेसिटी तो ₹60,000 आता यहाँ पर। कितना आता? 36,000 नहीं आता, क्योंकि 36,000 तो हमारा 60% पर है। इसका मतलब 100% पर कितना होता? 60,000 होता। 60,000 का 60% यूज हो रहा है तभी तो 36,000 आ रहा है। नहीं समझे? 60% 36,000 के बराबर है तो 100% 60,000 के बराबर होगा। और अगर यहां लिखा होता 100% कैपेसिटी तो इसका मतलब इसको 60,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब दिया है करंट लेवल तो वो दिया है 36,000, दिया होता 48,000 तो हम 48,000 लिखते। अब समझ में आया कहां लोचा था? नहीं नहीं नहीं, हम इसलिए करें कॉपी पर ध्यान मत दो, जब हम बताएं तो इधर ध्यान दो। इधर क्या लिखा हुआ है? ये जो कॉस्ट दिया हुआ है किस लेवल पर दिया है? करंट लेवल। और करंट लेवल पे हम लोग आज की डेट में कितना परसेंटेज काम कर रहे हैं और कितने यूनिट्स बन रहे हैं? तो इसका मतलब 60% पर हमारे 36,000 यूनिट्स बन रहे हैं, 100% पर हमारे 60,000 यूनिट्स बनते, और अगले साल हम 80% पर काम करने जा रहे हैं। कितने परसेंट पर काम करने जा रहे हैं? हाँ या ना? ये यूनिट्स में। अब क्वेश्चन में यहां दिया है करंट लेवल पर ये जो कॉस्ट निकाली गई है ये सारी की सारी करंट लेवल पर है। और करंट लेवल क्या है? तो फिक्स यूनिट दिया हुआ है, फिक्स पर यूनिट दिया है ₹1, तो हम सीधे इसी करंट लेवल से मल्टीप्लाई कर लिए। इट मीन सलीना कॉस्ट मेरी 36,000 है। अगर यहीं पर करंट लेवल ना लिख करके 100% लेवल लिख देता तो इसका मतलब हम यहां 60,000 से मल्टीप्लाई करते। इसका मतलब मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होती? अगर यहां करंट लेवल और 100% ना लिख करके नेक्स्ट ईयर लेवल लिख देता सीधे ये 48,000 से मल्टीप्लाई करते। बात समझ में आई? अब समझ में आई बात? तो ये आंसर चेंज हो जाता है फिक्स कॉस्ट के केस में। तो हमेशा फिक्स कॉस्ट को टोटल में बात करना, कभी पर यूनिट में बात मत करना। मना भी किया हुआ है पहले भी, फिक्स कॉस्ट इन टोटालिटी फिक्स रहता है, बात खत्म। किस पर कैलकुलेट किया है पर यूनिट वो ध्यान देना जरूरी है। हमारे पास हमको मालूम था कि मेरी फिक्स कॉस्ट 36,000 है। उसके बाद मैंने सोचा यूनिट्स कितने बनाए हो, मैंने कहा 36,000, तो हमारा आंसर आ गया ₹1 पर यूनिट। और यही ₹1 आप लोगों को दे दिया गया है। मान लो टीचर को समझ में आया 36,000 ही दो बच्चों को, लेकिन वहां लिख दिया करंट लेवल पर ना दे करके 100% पर दे देता तो वहां लिख देता 60 पैसा। कितना लिख देता? तो आप लोग क्या करते, 60,000 यूनिट पूरे 100% लेवल पर है 60 पैसे के हिसाब से, तब भी आपका आंसर कितना आता? 36,000। बात समझ में आई? अगर उसको 36,000 ही रखवाना होता तो वही आता। फिलहाल कितना आया फिक्स कॉस्ट, ये हटा दें। अच्छा, प्रॉफिट दिया है ₹1 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस दिया है। रॉ मटेरियल को हमें रखना है 1 महीने के बराबर। रॉ मटेरियल कितने महीने के बराबर रहेगा? बिफोर बींग इश्यू टू प्रोडक्शन, ठीक है। मैटेरियल विल रिमाइन इन प्रोसेस, तो WIP कितने महीने के बराबर? क्रेडिटर्स हमें कितने महीने का उधार देते हैं, यानी हम किसी का पैसा फंसाते हैं, हम उधार माल खरीदते हैं। फिनिश गुड्स हमें कितने महीने का रखना है? डेटर्स कितने महीने के? आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितने महीने के? हाँ या ना? कोई भी कॉस्ट में इंक्रीज या सेलिंग प्राइस में इंक्रीज नहीं हुई है। आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट न्यू लेवल पर बनाना है, यानी 48,000 यूनिट्स पर, यह मानते हुए कि आपको ₹19,500 कैश रखना है। चलें,
तो हमें 48,000 पर बनाना है, ये तो मालूम है ना सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉस्ट शीट देखना किस तरह से आंसर आपका तुरंत आता है, ये 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा आएगा तो। दोनों बना दें, 36,000 पर भी बना दें, बना देते हैं। यह है आपका कॉस्ट शीट, यह है आपका 36,000 यूनिट्स, और यह है आपका 36 का हम एक्स्ट्रा बना रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, केवल सेट करने के लिए, एग्जाम में तुम लोग मत बना देना। ये पर यूनिट भी हम सामने लिखते जा रहे हैं, ठीक है, लिखे या ना लिखे? ये पर यूनिट, इसका पर यूनिट है किसका, 48,000 का, ये एक साथ है, ये एक साथ। अच्छा, हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल, पर यूनिट कितना दिया था, 4 रुपए दिया था ना, तो मैंने लिख दिया 4 रुपए। रॉ मटेरियल के बाद दिया था वेजेस 2 रुपए, मैंने लिख दिया, ये क्या आ गया मेरा क्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद ओवरहेड लिख देंगे ये 2 रुपए, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, क्या दिया है, और जब ओवरहेड के बारे में कुछ भी ना दिया हो तो हम उसको प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड ही मानते हैं। इफ नथिंग इज गिवन प्रीफिक्स विद द ओवरहेड वर्ड, वी ऑलवेज एज्यूम दैट दिस इज योर फैक्ट्री ओवरहेड, पक्की बात है ना, तो हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड ले लेंगे। इसमें दो तरह की कॉस्ट है, फिक्स्ड और वेरिएबल, 2 रुपए दिया था। अच्छा, और फिक्स कितना दिया है, 1 रुपए, रखने के लिए रख ले रहे हैं लेकिन यूज मत कर लेना इसको, यूज प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। इसके बाद क्या दिया है, प्रॉफिट 1 रुपए, इनको अगर ऐड कर लें तो क्या मिल जाएगा हमको, इन सबको ऐड कर लें तो वर्क्स कॉस्ट बोल लो, बोलने दो। इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, ना सेलिंग ओवरहेड दिया है, ना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया, खत्म हो गया। कॉस्ट शीट जितना देना था उतने डिटेल हमने रख ली, तो इसका मतलब इसी को ही हम मान सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसी को ही मान सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसी को ही मान सकते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं समझ में आएगा कि सारा डिटेल नोट करें, 0 0 मर्जी। अच्छा, इन सबको ऐड कर लिया, इसके बाद हमारे पास आता है इसमें ऐड करने लायक, हाँ, प्रॉफिट कितना रुपए था, 1 रुपए, 4 5 6 7 8 9 रुपए, 3 रुपए होगा ना, गलत दिया है, 9 रुपए ये है तो 3 रुपए जोड़ोगे तभी तो 12 आएगा, गलत दिया है, वो मिसप्रिंट है, पक्का, बस इतना दिया। ये किस लेवल पर दिया था, 36,000 का करंट लेवल, मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 1,44,000, ये आ जाएगा 72,000, करंट लेवल पर दिया था, हम केवल ये तुम लोग को ऐसे ही बता रहे हैं, 36,000 पर हमें बताने की जरूरत नहीं है तुम लोग को, हम डायरेक्ट 48 पर निकालते, लेकिन केवल समझाने के लिए 36,000 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ये आ जाएगा आपका 7 4 11, 2 लाख, क्या कर रहे हो,
फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं, एक रुपए के हिसाब से करंट लेवल पर दिया है, करंट लेवल तो ही तो काम कर रहे हैं हम, तो कितना आ जाएगा? और ये 48,000 पर भी ऐसे ही रख देना, ठीक है? इसीलिए बताया 36,000 का, इस फालतू की मेहनत इसीलिए की 36,000 के लिए। अब समझ में आई बात? 2 रुपए बताओ, 72,000, 1,08,000 जोड़ दो तो 3,24,000। बोलो, इधर देखो, 3 रुपए के हिसाब से 36,000 × 3 1,08,000, 36,000 × 12 करोड़ सेल्स आ जाएगा। 36,000 × 12 3,60 और 72, 4,32। देखो टोटल आ रहा है 4,32, देख लो ऊपर से 3,24 और 1,08, बात खत्म हो गई। करंट लेवल पर तो मैच करेगा ही करेगा। आते हैं इस लेवल की बात करते हैं, हमें तो वर्किंग कैपिटल इस लेवल का बनाना है ना, ये तो ऐसे ही मैंने बना दिया समझाने के लिए फालतू का। इसकी बात करते हैं, पर यूनिट हमारा 4 रुपये तो फिक्स ही रहेगा रॉ मटेरियल का, नहीं कोई चेंजेस नहीं है कॉस्ट में, तो 1,92,000। हाँ या ना, ये आ जाएगा 96,000 2 रुपए के हिसाब से, 2,88, 3,88, 2,88, समझे? फिक्स कॉस्ट तो मिल गया पहले से ही। अगर पर यूनिट निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 48,000, 36,000 डिवाइडेड बाई 48,000 करो, कितना पैसा आएगा? 75 पैसा, 3/4 आ रहा है, 75 पैसा आएगा। ठीक, अच्छा 2 रुपए के हिसाब से हमारा ये फिक्स है पर यूनिट, तो 96,000, 1,32 ऐड कर लो तो 4,20 आया ना। 12 रुपए में सेल करेंगे, 12 × 4 = 48, 12 × 96 = 4,80, 5,76, 5,76 कितना आ रहा है? अरे 12 रुपए से मल्टीप्लाई करो, आ रहा है ना? अरे हम तेज आदमी, चिंता ना करना। माइनस करो 4,20 में से 1,56, समझे मेरी बात? हमको अब इसी से अपनी कॉस्ट शीट बनानी है, किस लेवल से, इसी की तो रिक्वायरमेंट है। अगले साल हमारा काम कितने यूनिट्स पर होना है? 48, तो हमें पैसे भी तो उसी की जरूरत पड़ेगी कि 48,000 के लिए हम कितना अरेंजमेंट करके रखें अपने बिजनेस में। अरे बोलो ना, समझ में आ रहा है? इसको हम कहेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो अब बनने जा रहा है। कॉपी कर ली, लिखें पूरा, क्योंकि लिखना चाहिए, हमको तो लिखना चाहिए। जेन्युइनली मैं लिखूंगा, देखो मेहनत करूंगा, कोई दिखे इधर देखो, काम चोरों इधर देखो। ये हम कैलकुलेशन पार्ट यहां रख दे रहे हैं, बात नहीं, देखो इधर, छोड़ दो उस कॉपी को। ये है मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एट 48,000 यूनिट्स। कोई भी दिक्कत हो यहां तक पूछ लो, नहीं यहां पर लिखेंगे पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखेंगे हम मंथ्स, कैलकुलेशंस, अमाउंट। हमें करंट एसेट यहां लिखनी है, हमें करंट लायबिलिटीज यहां लिखनी है, करंट एसेट्स में आप क्या क्या लिखेंगे जरा देखें, इधर क्या क्या चाहिए इधर देखना, पहले क्वेश्चन को कैसे खत्म करते हैं वो समझो, ताकि दिमाग लगाना ना पड़े बार बार। रॉ मटेरियल कितने महीने का रखना है? तो मैंने यहां पर लिख दिया रॉ मटेरियल स्टॉक, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने महीने का लिख दिया,
पहले क्वेश्चन के सारे एलिमेंट अपनी जगह रख देते हैं। मैटेरियल विल बी इन प्रोसेस, डब्ल्यू आई पी कितने महीने का? एक महीने का। तो मैंने यहां लिख दिया स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी कितने महीने का? क्रेडिटर्स 3 महीना उसके बाद दिया हुआ है। सप्लायर कितने महीने का क्रेडिट देते हैं? 3 महीने का। तो हमने यहां लिख दिया क्रेडिटर्स कितने महीने का। अच्छा जी, और क्या दिया है? फिनिश गुड्स कितने महीने का? तो मैंने लिख दिया यहां पर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। डेटर्स कितने महीने का? 2 महीने का। तो मैंने यहां लिख दिया डेटर्स 2 महीने का। जो दिया है क्वेश्चन हम कॉपी करते जा रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितने महीने का? आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितने महीने का? 1 महीने का। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड आउटस्टैंडिंग ओवरहेड दोनों रहेगा एक एक महीने का। वीसीसी कॉस्ट में इंक्रीज नहीं होगा। कैश कितना मेंटेन करना है? तो हमें तो ये दिया ही हुआ है, तो कोई कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है, लिख देते हैं। बोलो कुछ बचा क्या? अरे कुछ बचा क्या, गाना था पिक्चर का, अजय प्रेम की कहानी नहीं है? करें सॉल्यूशन, बस इनको फिल इन द ब्लैंक्स कर दें तो हमारा आंसर। और ये फिल इन द ब्लैंक्स कहां से होंगे? जमाई ले ले ऐसे समय हम पूछ लिए जब वो जमाई ले रही थी, मन तो पूरा कर रहा था बताने का देखो इधर स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल कितने महीने का रखना है, और साल भर में 48,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट पर कितने स्टॉक की जरूरत पड़ती है? साल भर में इतने की जरूरत पड़ती है, तो 1,92,000 अगर हमें साल भर में जरूरत पड़ती है स्टॉक की, तो एक महीने की कितने की होगी? 16,000। खत्म। सोचो कितना हल्का है, नहीं कोई मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। इतनी मुंडी मत हिलाओ, बाहर निकल जाएगी अच्छा दूसरा क्या दिया है? डब्ल्यू आई पी छोड़ देते हैं। फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किस पर निकालते हो? सच सच बताओ, कसम है तुम लोगों को, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। वो तो दिया ही हुआ है, ये 4,20,000। तो 4,20,000 का 2 महीने का नहीं निकाल लोगे? बोलो, नहीं समझे? सिंपल था। डेटर्स सेल्स पर निकालते हो, और सेल्स कितना दिया हुआ है? मान ले सारा का सारा उधार है, तो 5,76,000 का 2 मंथ्स का निकाल लो। 96, बोलो। कोई दिक्कत? सब तो हो गया। क्रेडिटर्स किस पर निकलता है? रॉ मटेरियल उधार खरीदते हैं। क्रेडिटर्स किस पर निकलता है? उधार रॉ मटेरियल पर। मान लेंगे जितना खरीदा गया है सब उधार है, और खरीदा गया है 1,92,000 का। कितना खरीदा गया है? तो इसी का 3 महीने का उधार खरीदा होगा मैंने। बोलो, अगर 12 महीने में इतना उधार खरीदा तो 3 महीने में कितना खरीदा? आउटस्टैंडिंग वेजेस 1 महीने का, तो वेजेस है कितना? 96। 12 महीने में 96,000 है, तो 1 महीने का उधार कितना पड़ा रहेगा? 8,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, ओहो, ये हमारा ओवरहेड है 48,000 पे। अरे बोलते क्यों नहीं, तो 36,000 का निकाल लो और 96,000 का, 11,000 आ जाएगा दोनों मिलाकर। 3,000 उसका, 8,000 इसका, हो गया 11,000। सोचना क्या है, एक महीने का, तो 36,000 प्लस 96,000 का 1 महीने का, अब क्या बचा लास्ट, जिस पर मेहनत करनी है।
और हमको जब WIP कैलकुलेशन करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ WIP, तो तीन चीजें ऐड करते हैं हम। रॉ मटेरियल मान लेते हैं, क्वेश्चन में अगर कुछ ना दिया हो तो 100%, लेबर कुछ ना दिया हो तो मान लेते हैं 50%, ओवरहेड कुछ ना दिया हो तो मान लेते हैं 50%। हाँ या ना? अच्छा, अब आते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं कितने महीने के बराबर। रॉ WIP 1 महीने के बराबर, तो मटेरियल था कितना, 192। साल भर का मटेरियल है 1,92,000, तो 1 महीने का इतना होगा, और ये पूरा पूरा लग गया होगा, हम तो मानकर चल रहे हैं। सोलह हजार आ रहे गए, कैलकुलेशन देख लेना। लेबर कितना, साल भर में कितना लेबर लग रहा है, 96। तो अगर 12 महीने में 96 लग रहा है, तो 1 महीने में 8,000 लगेगा, और उसका आधा ही यूज हुआ होगा WIP में, और ओवरहेड्स की बात करते हैं बाकी। ये 9 3 12, 1 32, 1 32 लगा सलीना, देखो ना, 1 32 का 1 महीने का निकाल कर उसका आधा कर लो, 55,000, 5,500, 11,000 आया ही था पूरा, टोटल कितना हुआ, 25,500। तो हम ये देखो, इधर कॉपी में बाद में नोट करना बाबू, एज पर नोट 25 टोटल करो यहाँ का। हाँ, इसको क्या कहेंगे हम, ए नहीं, इधर नहीं, इधर 2,27,000, क्या कहेंगे इसको, और इसको कहेंगे बी, ये हो जाएगा ए माइनस 160, क्या आ गया ये, चैप्टर कौन सा टफ है हमको ये बताओ, है ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें। शुरू के 2 3 4 क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा टेंशन होता है, मैंने कहा अगर प्रूफ करने के लिए बोलो तो अभी मैं गलत प्रूफ कर दूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, 2 3 क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगा, ताकि तुम लोग का दिमाग तब तक खुल जाए। देखो, एक फायदा तो दिखा होगा, कोई वर्किंग नोट अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ी होगी, केवल वर्क WIP छोड़कर बाकी सारी चीजें हमको किसने दे दी, कौशिक ने। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो थोड़ा टेंशन वाला होगा। जानते हो क्या तरीका यूज कर सकते थे, मैंने कहा रॉ मटेरियल 1 महीने का रखना है, कितने महीने का, सुन लो, रॉ मटेरियल कितने महीने का, तो अगर हमारा साल भर में 48,000 यूनिट यूज होगा, तो 1 महीने में कितना यूज होगा, 4,000, कितने रुपए के हिसाब से आएगा, कितना, ये दूसरा तरीका है, लेकिन काहे के लिए जाए इस तरीके पर, ये हमें बहुत बीमार और बहुत बीमार कर सकता है। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, ये वैधानिक चेतावनी आती है ना, तो वही है कि अगर इस मेथड को उसके किताबों ने यूज किया है, मैंने कहा ना हर फॉर्मेट को यूज किया है, हम लोग केवल एक सिंगल फॉर्मेट लेकर चलेंगे, फर्स्ट विल प्रिपेयर आर कॉस्ट शीट एंड आफ्टर दैट विल प्रिपेयर आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट्स इट, इट इज सो सिंपल टू यूज। अगर आप जहां अपने किताबों को देखना शुरू किया, बीमारी समझ लो पालना शुरू कर दिया, ये देख लो, ये इसने ये मेरे हिसाब से फॉर्मेट बनाया हुआ है, इसका आंसर डिफर क्यों आ रहा है जरा देखते हैं, एक बार देख लेते हैं, 16,000 आ रहा है, देखो मैच करो, रॉ मटेरियल का स्टॉक WIP कितना आ रहा है, 25,500 आ रहा था, फिनिश गुड्स कितना आ रहा है, 35,000, हम लोग का 70 था, हम लोग का 70 था, ये मिसप्रिंट है इसका, मतलब इसमें 2 महीना नहीं 1 महीना होना चाहिए था, फिनिश गुड्स यहाँ 1 महीना होना चाहिए था, ठीक है, इसका गलत है, हमने 2 महीने का निकाला है ना, ये 1 महीने का निकाला है, ठीक है ना, मेरे में गलती नहीं है। डेटर्स कितना आ रहा है और कैश कितना आ रहा है, दिया ही हुआ है, स्टॉक कितना आ रहा है, अरे क्रेडिटर कितने आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ ही रहा है 67, मैच कर रहा है सब, केवल 35,000 छोड़ दो, 35,000 ऐड कर दो, मैच कर जाएगा वो, ये यहाँ पर इसने 1 महीने का निकाला है, हमने
क्वेश्चन की मिस्टेक है या इसकी मिस्टेक है हमें नहीं मालूम, हमने तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना सही किया है। ठीक, पक्का? कौनो दिक्कत? मैच कर रहा है ना? तो जब जुकाम था तो तुमको उस साइड बैठ जाते, एसी के नीचे बैठना जरूरी था जब बुखार था तो? हो गया, चलें। एक क्वेश्चन और करें, बोलो। एक क्वेश्चन और, ये है आपका। चलो क्वेश्चन नहीं करते हैं, आपको एक नया कंसेप्ट बताते हैं, क्योंकि यहां आगे वो यूज होगा बीच बीच में। सुनना पसंद करेंगे? ये जो हम लोगों ने बनाया, ये हो सकता है ना कि ये, मेरी बात ढंग से समझना जो हम बोलने जा रहे हैं, कि ये जो फिक्स्ड ओवरहेड दिया है ये कुछ और ना हो, डेप्रिसिएशन हो। नहीं समझे? फिक्स्ड ओवरहेड कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, मान लो ये वर्ड लिखा होता डेप्रिसिएशन तो कोई दिक्कत थी? नहीं, डेप्रिसिएशन लिख दिया। लेकिन अब कॉमन सेंस की बात है, डेप्रिसिएशन के लिए कौन सी वर्किंग कैपिटल चाहिए होती, हमको ये बताओ। अरे बात तो सही है, डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम होता है। हम अपनी कॉस्ट को, मान लो हमारे पास, ये हटा दे रहे हैं यहां से, तो भी गड़बड़ हो जाएगा। मैंने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपए कैश कॉस्ट की जरूरत है और डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपए है, टोटल मुझे वर्किंग कैपिटल 6 लाख आ रहा है मेरे कैलकुलेशन से, उसमें डेप्रिसिएशन भी 1 लाख शामिल है। डेप्रिसिएशन के लिए कोई कैश चाहिए होता है क्या? डेप्रिसिएशन तो नॉन कैश आइटम होता है, मटेरियल के लिए पैसा चाहिए, लेबर के लिए चाहिए, ओवरहेड के लिए चाहिए, सबके लिए चाहिए। डेप्रिसिएशन के लिए कौन सा पैसा चाहिए होता है? तो हम लोगों ने तो ये काम कर दिया है ना यहाँ पे, मान लो डेप्रिसिएशन होता तो हम लोग तो ऐड कर चुके होते, तो डेप्रिसिएशन फैक्टर हटाना पड़ता है। कौन सा फैक्टर? क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। इसको हम लोग सॉल्व करने के तरीके को बोलते हैं ग्रॉस बेसिस। कौन सा बेसिस? हम कुछ नहीं सोचते हैं सर, जैसा कॉस्ट शीट वैसा आंसर, बात खत्म। दिस इज द करेक्ट मेथड। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट इफ द डेप्रिसिएशन वुड बी देयर इन द क्वेश्चन एंड वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय यूजिंग ग्रॉस बेसिस, इवन दो आवर आंसर इज ओके, बट दिस इज नॉट द परफेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला? अगर हमें हमारे क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया होता और हमने ग्रॉस बेसिस यूज किया होता, अब नई चीज आई ना दिमाग में, ग्रॉस बेसिस मेथड यूज किया होता कैलकुलेशन का, और इस फिक्स्ड ओवरहेड में हमने यहां पर डेप्रिसिएशन का भी अरेंजमेंट कर लिया था। देखो यहां ये फिक्स था ना? नहीं था? था। फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जुड़ गया? नहीं समझ में आई बात, छोड़ दो, मारो गोली। इतना समझ में आया कि डेप्रिसिएशन के लिए हमको पैसे की जरूरत? इसका मतलब जब हमने डेप्रिसिएशन को अपनी कॉस्ट का हिस्सा बना लिया है, तो जहां जहां इसमें डेप्रिसिएशन घुस चुका है उसको वहां वहां से दफा करना पड़ेगा। बात समझ में आई? लेकिन ये गलत नहीं है, दिस इज नॉट द रॉन्ग आंसर, इवन दो देयर वी हैव इंक्लूडेड द पोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन, बिकॉज वी हैव यूज विच वन मेथड? ग्रॉस बेसिस। एक और बताएं? अरे मैंने क्या बोला? अरे ये जो प्रॉफिट शामिल होता है, इसके लिए कौन सा आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है? खर्चा लगा 10 रुपया, आएगा 12 रुपए, तो पैसे कितने जरूरत हैं, 10 या 12? हम 10 रुपए की पेन खरीद करके 12 रुपए में बेचते हैं, तो हमें बिजनेस चलाने के लिए कितने रुपयों की जरूरत है? तो तुम लोगों ने तो ये प्रॉफिट भी शामिल कर लिया है वर्किंग कैपिटल में, इसके लिए कौन सा, तुम कहां शामिल किया सर? हमने तो कहीं अरे डेटर्स सेल पर ही तो लिए हो ना रे, इसमें प्रॉफिट जोड़ दिए हो तुम। अरे उसके लिए जरूरत नहीं पड़ती कैश की, प्रॉफिट की।
प्रॉफिट के लिए कौन सा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? तो नॉन कैश आइटम्स के लिए हमको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, प्रॉफिट के लिए हमको कैश वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इन चीजों को अब जब हम हटाएंगे तो उस मेथड को नाम देंगे कैश कॉस्ट बेसिस। कौन सा? अब मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और क्वेश्चन यही है मान लो, तो हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? बट ऑब्वियस है सिंपल तरीका कौन सा? ग्रॉस। टेंशन क्यों पालोगे? इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट ट्राई टू यूज द सिंपल मेथड। टफ बनाना है क्वेश्चन को एग्जाम ने, और टफ से टफ बनाना है। बता दे 25-50 assumptions, एक ही क्वेश्चन में 3 घंटा लग जाएगा, कोई फायदा नहीं। अब बात समझ में आई? तो जब क्वेश्चन में हमारे पास 2 assumptions हो एग्जामिनेशन में, कौन सा मेथड यूज करोगे? हमेशा सिंपल वाला assumption मान लिया करो, क्वेश्चन टफ बनाने की जरूरत नहीं है। अब क्लियर हुआ? तो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से कर सकते हैं। किस मेथड से? कैश कॉस्ट बेसिस। लेकिन चूंकि डेप्रिसिएशन नहीं दिया है तो हम इस क्वेश्चन को अवॉइड कर रहे हैं करने से। ठीक, देखो यहाँ डेप्रिसिएशन दिया है ना, हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कहो तो करें। चलें क्वेश्चन नंबर 8। ये बनाने जा रहे हैं हम लोग क्या, और साथ साथ हम बनाएंगे यहाँ क्या, हम डेटा को अब बराबर बराबर साथ साथ पुट करते जाएंगे ताकि दोबारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ना पड़े। कितने तेज हो तुम लोग। इसको हम लोग लिख देंगे करंट एसेट, चलिए देखो क्वेश्चन को कैसे लिखते चले जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन कैसे खत्म होता है, ध्यान से देखना इधर से कैसे खत्म होता चला जाएगा। अब तो थोड़ा सुधार करते जाएं। कहता है अ कंपनी हैज प्रिपेयर्ड इट्स एनुअल बजट, रेलिवेंट डिटेल्स ऑफ आर हेयर बिलो। सेल्स है इतने रुपए की, कितनी 46,80,000, जिसमें 25% कैश सेल्स है, बैलेंस आपका क्रेडिट पर है। तो सेल्स दिया है कितना? 46,80। रॉ मटेरियल कितना है बता सकते हो? 46,80,000 का 60% कितना होता है? रॉ मटेरियल कॉस्ट, लेबर ओवरहेड, ये आ जाएगा हमारा क्या? इसमें क्या ऐड कर दे रहे हैं? रॉ मटेरियल, लेबर, उसके बाद वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड दिया है ना। तो अब इसमें हम लोग
फैक्ट्री ओवरहेड ऐड कर देते हैं या प्रोडक्शन ओवरहेड, दो तरह के, फिक्स्ड एंड फिक्स जो दिया है वो केवल और केवल डेप्रिसिएशन है क्या, कि उसमें शामिल है एक दस से शामिल है, तो हम केवल ये हटा दे रहे हैं, ठीक है। फिक्स में दो तरह से हम लिख दे रहे हैं, ये समझाने के लिए तुम लोग को, कैश कॉस्ट एंड, और ये लिख दिया मैंने केवल समझाने के लिए, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉफिट ऐड कर लें, नीचे आ जाएगा सेल्स, बस ना। सारी चीजें जो जो दी हैं हमको मालूम है, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड ओवरहेड्स है, कैश इन हैंड है, तो लिख दें यहां पर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ WIP, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, डेटर्स, कैश एंड बैंक, बोलो बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्रेडिटर्स, हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड, और भी कुछ दिया है क्या? नहीं, कैश दिया है, कैश इन हैंड रिक्वायर्ड दिया है। चलो चले, अब रखते चले जा रहे हैं। रॉ मटेरियल 3 हफ्ते का है, रॉ मटेरियल कितने हफ्ते का है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 3 वीक। अच्छा, एक हफ्ते के बराबर हमारा क्या है, WIP, जिसमें मटेरियल 100, लेबर और ओवरहेड 50-50, नहीं भी दिया होता तो यही मानते, कितने हफ्ते के बराबर का, 1 वीक। फिनिश गुड्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स, वेजेस आर पेड बाई वीकली। बाई वीकली का मतलब जानते हो? सुन लो, फोर्टनाइटली का मतलब जानते हो? फोर्टनाइटली, इतने बड़े हो गए तुम लोग को यही सब नहीं मालूम, बताया भी था शायद एक बार, 15 दिन में एक बार। एक होती है मंथली मैगजीन, एक होती है वीकली मैगजीन, एक होती है फोर्टनाइटली मैगजीन, तो 15 दिन पर एक बार निकलती है, ये सब नहीं मालूम। बाई वीकली 2 हफ्ते के बाद, बाई वीक का मतलब होता है 2 हफ्ते। अच्छा, ये सब मालूम ही नहीं है? अच्छा, वेजेस आर पेड बाई वीकली, तो 2 हफ्ता, कितना? और लिखा भी हुआ है बाई द 3rd वीक एंड बाई द 5th वीक, 1st एंड 2nd वीक का 3rd वीक में, 3rd और 4th वीक का 5th वीक में पेमेंट हो रहा है। तुम लोग को बेचारे ने समझा भी दिया है। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड कितना है? कैश इन हैंड कितना है? तो नीचे जितनी भी चीजें दी थी ये हम लोगों ने रख ली अपनी जगह, इसके लिए अब हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, आते हैं सेल्स, कितना दिया है? 46,80,000 दिया है ना, ये दिया है ना 46,80,000, तो हमने नीचे लिख दिया यहाँ सेल्स पर 46,80,000। कितने यूनिट्स थे जरा देखो, 78,000 शायद, 78,000 यूनिट है, तो हमने यहां लिख दिया ऊपर 78,000 यूनिट। अगर एक यूनिट का सेल प्राइस बता सकते हो क्या, 46,80 डिवाइडेड बाई 78,000? कोई दिक्कत है?
कहता है कैश सेल्स 25% है, तो कहीं पर हिंट में लिख दें, बोलो ना। डेटर्स 75% सेल्स पर ही निकलेगा, ये याद रखना, क्योंकि बाकी तो कैश सेल्स है, इसका मतलब डेटर्स पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। उधार माल कितने का है? 75% है, तो डेटर्स 75% पर ही निकलेगा। चलें आगे। अच्छा, कहता है रॉ मटेरियल 60% ऑफ सेल्स वैल्यू, तो बताओ 4680 का 60% कितना होता है? इसने कहा सर ऐसे मत निकालिए, 60 का 60% 36 कर दीजिए, सीधे सीधे। नहीं समझे, 60 था उसका 36, अब 36 इंटू 78,000 मल्टीप्लाई कर लो, मर्जी है, दोनों आंसर एक आएगा। हाँ, 28,08,000, इसको करके देखो इतना ही आ रहा है, 4680 का 60% वही आएगा, सोचना नहीं। अच्छा, लेबर कॉस्ट देखो 6 रुपए पर यूनिट दिया है ना, तो 6 इंटू 78,000, चार 20 और 48 कितना होता है? 6 68, 4 68, ठीक। टोटल मिलाकर 32,76,000, ठीक है ना। वेरिएबल ओवरहेड दिया है 1 रुपए पर यूनिट और फिक्स ओवरहेड दिया है 5 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड कितना दिया है? 1 रुपए, तो ये हो जाएगा 78,000। फिक्स ओवरहेड दिया है 5 रुपए पर यूनिट, अच्छा 5 लाख दिया, सॉरी, टोटल मिलाकर 5 लाख, उसमें 1,10,000 क्या है? तो हमने 1,10,000 इधर लिख दिया और 3,90,000 ये लिख दिया। बोलो, हो गया 5, 5 78 जोड़ दो, कितना आ गया? 32, 5, 37, 38,54,000 आ रहे, देख लेना भाई, 38,54,000। अरे बोलो, प्रॉफिट बताओ कितना आया? 50, 60, 70, 26, 38, 8, 8,26,000, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ग्रॉस बेसिस पर, और नेक्स्ट सेशन में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैश बेसिस पर। ये इसीलिए जगह छोड़ रखी है, ये कैश बेसिस के लिए लाइन है, ठीक। चलें, अभी हमने ग्रॉस समझाया है तो ग्रॉस बेसिस पर ही कर लो ना। रॉ मटेरियल कितने महीने के बराबर? 3 हफ्ते के बराबर, और ये पूरे सलीना की सेल है, एनुअल बजट है। तो अगर 28,08,000 साल भर में रॉ मटेरियल चाहिए, तो 3 हफ्ते में कितना चाहिए होता है? एक साल में 52 हफ्ता होता है, तो 52 वीक्स में 28,08,000, तो 3 हफ्ते में कितना? 1 लाख, बोलो। अच्छा, WIP छोड़ देते हैं, दिया है फिनिश गुड्स 2 हफ्ते के बराबर, तो फिनिश गुड्स किस पर निकलेगा? 38,54,000 का 2 हफ्ते का निकालो, कितना? 1,48, 230, डेटर्स दिया हुआ है कितना? 4 वीक्स का, टोटल सेल कितना है? 4680, ग्रॉस बेसिस पर कर रहे हैं, भूलना नहीं है। तो 4680 तो हमारी टोटल सेल है, इसका 75% ही उधार होता है, बोलो, उसी पर ही डेटर्स निकलेगा, और यही हमें निकालना है 4 हफ्ते के बराबर का। साल भर में इतना उधार सेल, तो 4 हफ्ते में कितना? 17,
क्रेडिटर्स किस पर निकलता है? रॉ मटेरियल पे, 28,08,000 का 4 हफ्ते का। अरे आया था, वही आया था, नहीं, 28,08,000 का 4 हफ्ते का। हाँ, हमें लगता है मुंह में दही जम गया है। आउटस्टैंडिंग वेजेस जरा देखो, वेजेस कितना है? 4,68 साल भर का। और हमें उधार कितना रखना है? 2 हफ्ते का। चार सौ 61 एग्जैक्ट। इसका बार्गेन होगा, कैलकुलेटर खरीदते समय खूब बार्गेन किया होगा, उसी का नतीजा है। ओवरहेड 2 हफ्ते का निकालना है, तो ओवरहेड कितना है टोटल बता सकते हो? 5,78,000 का 2 हफ्ते का। बाईस हजार केवल बचा क्या? सारी बीमारी इसी WIP में ही होनी है, इसीलिए हम लास्ट में रखते हैं कैलकुलेशन ऑफ WIP। तीन चीजें ऐड होनी है, रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। कितने हफ्ते के बराबर है ये? 1 हफ्ते के बराबर। रॉ मटेरियल सलीना कितना चाहिए? 28,08,000। तो 28,08,000 का 1 वीक का 100% लिखो मत, अभी कैलकुलेट मत करो। लेबर 4,68,000, 4,68,000, 4,68,000 का 1 वीक का 50%, क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। ओवरहेड दिया था टोटल 5,78,000, 5,78,000 का 1 वीक का 50%, बताओ तीनों कितना आया? देख लेना तुम लोग, 63,64,057 आ रहे। नोट करो उसको, ऊपर वाला टोटल करो, टोटल करो, 2,26,000, 3,34,000, 3,74,000, 280। चलो ये बताओ इसका, 20, 30, 40, 56, 2,56, 230। देखो आ रहा है, फोर लैख। ये है हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट A-B। इसको इत्मीनान से नोट करो, ये ग्रॉस बेसिस पर है, ये याद रखना। और अब तुम लोग को ये टफ क्वेश्चंस हैं, क्या हैं? एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते भी हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस अच्छी खासी करेंगे, चिंता ना करना। और हर क्वेश्चन अपने आप में नया रहेगा। बात नहीं, क्यों बात कर रहे हो? मिठाई बांटनी, हमको भी खिलाओ, समझ में आ गया तो। अकेले अकेले क्यों खा रहे हो? ये तीनों चारों क्वेश्चन करके आओगे तुम लोग? कितने करवाए? 3 करो करवाने शायद, 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन करवाए। तो तुम लोग ये 3 क्वेश्चन घर से करके आना, कॉपी में दिखाओगे तभी हम आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर दूसरे रूम में बैठ जाना, वहां पहले कर लेना फिर यहाँ आना। क्या दूसरे रूम में बैठोगे? अच्छा करे, ठीक है। टाटा बोले।